अच्छा, अब हम डेकोरेटर स्टार्ट करने लगे हैं। डेकोरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, मैं आपको एग्जांपल करके समझाता हूँ। डेकोरेटर्स में बेसिकली हम एक फंक्शन बनाते हैं, और हम दो फंक्शन बनाएंगे बेसिकली, और एक फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन का एज ए लेबर के तौर पे यूज़ करेंगे। मतलब कि दूसरा फंक्शन जो है वो जो भी वर्क करेगा उसकी वैल्यू पहले फंक्शन के अंदर जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको करके समझाता हूँ। हम एक फंक्शन बनाते हैं काउंटर, हम इसके अंदर एक वेरिएबल रख लेते हैं नंबर, ठीक है। अब हम इसके अंदर, हम फिलहाल ये हमारा जो मेन फंक्शन है इसके अंदर हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, इसका हम नाम रख लेते हैं ऐड, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम ये करेंगे कि हम रिटर्न करवा लेंगे नंबर, और इसमें प्लस कर देंगे 100, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये जो ये नंबर है ना, ये हमारा जो हमने ये ऊपर वाले में पैरामीटर के तौर पे लिया है, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे इसके पैरेंथेसिस लास्ट में लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मेन फंक्शन है हमारा, इसका हमने रिटर्न करवा देना है एज अ ऐड को हमने रिटर्न करवा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा ये मेन फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमने और फंक्शन बनाने हैं इसके, इस मेन फंक्शन के एज ए वर्कर के तौर पे, एज ए लेबर के तौर पे, जो इस मेन फंक्शन के लिए काम करेंगे, अपनी वैल्यू, अपनी कमाई जितनी भी है वो ला के इस मेन फंक्शन को दे देंगे। तो अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, मैं उसका नाम रख लेता हूँ इनपुट, ठीक है। हम इसको इनपुट का नाम इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि हम यूज़र से इनपुट लेंगे। मैं इसका नाम इनपुट वन रख लेता हूँ, और इसके साथ ही मैं टेक इनपुट का एक वेरिएबल लेता हूँ, टेक इनपुट, ठीक है। इसके अंदर अब मैं एक इंटीजर लूँगा, इंटीजर फिर वो इनपुट, और यहाँ हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं, इंटर एनी नंबर, ठीक है। हम यूज़र से बोल रहे हैं कि कोई भी अपना एक नंबर इंटर करो, और उसके बाद हम रिटर्न करवा रहे हैं क्या, टेक इनपुट, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना एक फंक्शन, लेबर फंक्शन कंप्लीट कर लिया। लेबर मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने इस फंक्शन को इस फंक्शन के एज ए लेबर के तौर पे काम करवाना है। मतलब इसकी सारी वैल्यू जो भी है ना वो इसके अंदर आ जाएगी। ये हम डेकोरेटर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, डेकोरेटर बेसिकली यही चीज़ होती है। अच्छा, अब इसको हम कैसे, इसको एज अ उसका सब फंक्शन बनाएं, या हम उसके लिए क्या करते हैं, ऐड लगाते हैं और उस फंक्शन का नेम लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हमने ऐड काउंटर जो लिखा, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो है ना, ये इसी का, इस फंक्शन का ही बेसिकली हिस्सा है, क्योंकि जब भी हम इस इनपुट वन को कॉल, इनपुट वन वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इस वाले फंक्शन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं प्रिंट के अंदर। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इस फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ क्योंकि हमें नज़र आया कि हम फंक्शन की वैल्यू क्या क्या है, रही है क्या, नज़र हमें नज़र भी है ताकि प्रिंट होके सामने है, ताकि हमें प्रिंट होके वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू प्रिंट के अंदर मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इसकी वैल्यू हमें कंसोल पैनल में नज़र भी है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, cmd decorators dot py, अब मैं कोई भी नंबर दूंगा, कोई भी नंबर 5, देखिए 5 मैंने इंटर किया, लेकिन प्रिंट क्या हो के आया, 105, 105 इसलिए क्योंकि वो यहाँ से प्रिंट होकर आया। अब इसी तरह ही मैं इसके दो तीन और फंक्शन बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से फाजे हो जाए। इसका मैं नाम रख लेता हूँ टू, इनपुट टू, इसका मैं नाम रख लेता हूँ इनपुट थ्री। अब मैं यहाँ पे इसको कॉल कराऊँगा, ठीक है। पहला नंबर हम इंटर करते हैं, पहला नंबर से मुराद हमने ये वाला फंक्शन अभी हमारा चल रहा है, ठीक है, इस पे हमने इनपुट ले रहे हैं। अब मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा तो आउटपुट 104 आना चाहिए, ठीक है। और राइट, हमने प्रिंट, हमने एक ही फंक्शन को कॉल किया था, हमें दो दफ़ा, और हमें इनपुट 2 और 3 को भी कॉल करना है तभी उसका भी इनपुट हम ले सकेंगे, इनपुट 2 एंड इनपुट 3। अब मैं इसको कॉल करवाऊंगा, फंक्शन में वैल्यू ले लेता हूँ मैं इसकी 4, ये 104 देगा। अब मैं ले लेता हूँ 99, ये 199 देगा, और इसने यहाँ पर एरर दिया है कि इनपुट 3 इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, इनपुट 3 का हमने नाम चेंज नहीं किया, इनपुट 3 सेव, अगेन रन,
105, 109, 199, 33, 133। तो ये बेसिकली हम इन वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू इससे रिटर्न होके आ रही है, मतलब कि ये वाले फंक्शन जो हैं वो एज अ वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं इस मेन फंक्शन का। अच्छा, ये अब मैं ये बता दूं कि जो डेकोरेटर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो इसलिए क्योंकि इससे आपका जो कोडिंग का जो लोड है वो कम हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो फास्ट हो जाती है। गूगल गूगल इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, गूगल इंजन डेकोरेटर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है वो, इसलिए क्योंकि ताकि इनकम इनका जो इनका रिज़ल्ट है वो बहुत फास्ट हो जाता है, इनको उनकी कोडिंग कम हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपको समझने के लिए समझना आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है ये। अब हम अपने क्लोजर वाले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। क्लोजर बेसिकली क्या होते हैं? क्लोजर्स को हम एनोनिमस फंक्शंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, चलिए कोड पे चलते हैं, फिर आपको सही से समझ में आएगा। मैं एक अपना एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उस वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ मैं एक्सेस, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग रख लेता हूँ, जिस स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख दूँगा एक्सेस 1। अब मैं एक डेफ फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा मैं फंक्शन 1, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा एक्सेस 2 के नाम से। इस वाले वेरिएबल को मैं देता हूँ एक्सेस 1, और ये हो जाएगा एक्सेस 2, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक और स्ट्रिंग रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं एक्सेस 2, और इसके अंदर मैं एक इनर फंक्शन बनाऊँगा जो कि हमारा एनोनिमस फंक्शन भी कहलाता है। वो क्यों कहलाता है? वो इसलिए कहलाता है क्योंकि वो अपने जो रूट फंक्शन है उससे भी बाहर के वेरिएबल को एक्सेस कर लेता है। हैरानी तो हैरानगी वाली बात है कि ये कैसे एक्सेस कर लेता है पाइथन के अंदर, इसीलिए हम इसको क्लोजर्स बोलते हैं या एनोनिमस फंक्शंस भी बोलते हैं। अच्छा, तो अब मैंने जो इनर फंक्शन बनाया है इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा एक्सेस 3 के नाम से, इसकी अपनी स्ट्रिंग बनाता हूँ, उसके अंदर रख देता हूँ एक्सेस 3, इसी के अंदर मैं प्रिंट की स्टेटमेंट लिख देता हूँ जिसके अंदर मैं वो पहला वाला एक पहले वाले को एक्सेस करवाऊँगा, फिर दूसरे वाले को एक्सेस करवाऊँगा, और फिर तीसरे वाले को एक्सेस करवाऊँगा। और जो मेरा मेन फंक्शन है उसका हम रिटर्न हो जाएगा क्या चीज़, फंक्शन 2 रिटर्न करवाएंगे हम उससे, मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन का रिटर्न फंक्शन 2 होगा। अब हम जब भी फंक्शन 1 को कॉल करेंगे तो वो डायरेक्ट कॉल करने पे हमें सही आंसर नहीं देगा। क्या आंसर देगा वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि क्या इसका रिस्पॉन्स आएगा, क्या रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखिए कि ये कुछ इस तरीके से देगा, वो बोलेगा कि जो है ना फंक्शन 1 लोकल है फंक्शन 2, और फिर वो उसका उसकी प्लेसमेंट बताएगा, उसकी मेमोरी की जो वैल्यू है वो बताएगा। तो हमें इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम उसे एक्सेस करने के लिए जो हमारा मेन फंक्शन है फंक्शन 1, इसको हमें असाइन करना पड़ेगा किसी भी एक वेरिएबल को। मैं एक एक के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और फिर हम उस ए को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, ए को हम कॉल करवा लेते हैं। तो जब हम ए को कॉल करवाएंगे तो अब देखिएगा आप क्या रिज़ल्ट आता है, ये देखिए एक्सेस 1, एक्सेस 2, एक्सेस 3। इसीलिए हम इसको एनोनिमस फंक्शन इसलिए बोलते हैं, क्लोजर्स हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एंड वाला फंक्शन होता है वो बेसिकली अपने से ऊपर और आउटर के भी, मतलब आउटर फंक्शन के भी वेरिएबल को, ग्लोबल वेरिएबल को भी एक्सेस कर लेता है। तो इसलिए हम इसको क्लोजर्स बोलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर।